नमस्कार दोस्तों, मैं लगातार आपको कोविड के कॉम्प्लिकेशंस पर बात करते जा रहा हूँ कि कोविड होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। आज हमारे पास मिस्टर प्राचीन सुले जी आए हैं, जिनकी उम्र मात्र 28 वर्ष है, जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आपने बताया कि 2017, 18 और 19 में उनका CBC बिल्कुल नॉर्मल था, प्लेटलेट्स बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन 2020 में उनको सितंबर महीने में कोविड हो गया। और कोविड होने के बाद थोड़े दिन का उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया कोविड का, उसके बाद उनको जब जांच कराई गई प्लेटलेट्स की, जब उनको कमजोरी हुआ और ब्लड जांच कराया, तो उसमें उन्होंने पाया कि उनका प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गया, 50,000 60,000 ऐसा आने लग गया। और डॉक्टर से जब उन्होंने बात करा तो उन्होंने बताया कि ITP नामक बीमारी हो गई, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पेड्यूला। आप देखिए, कोविड के कॉम्प्लिकेशंस में एक तो लंबे समय तक खांसी आना, उस पर मैंने कई बार कई मरीजों को आपको दिखाया, कई लोगों को वीकनेस बताया, कई लोगों को लंग्स में चेंजेस बताया, कई लोगों को यूरिनरी प्रॉब्लम्स के लिए भी मैंने वीडियो बहुत सारे अपलोड किया है। आज 18 मई को पहली बार इस तरह का पेशेंट आया कि जिसको कोविड होने के बाद ITP नामक परेशानी हो गई, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पेड्यूला हो गया, प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गया। प्लेटलेट्स कम होने के बाद प्राचीन जी ने बताया कि उनको काफ़ी कमजोरी लगने लगी, वीकनेस हो गया, चक्कर आने लगा। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट बात बताया, वो बताया कि उनको डर लगने लगा कि प्लेटलेट कम हो जाएगा, उससे उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, कमजोरी होने लगेगी। तो हमने उनके डर को और वीकनेस को कम करने के लिए सिरोधारा देने का प्रयास किया। हमारा जो प्रयास है यहाँ पर होलिस्टिक ट्रीटमेंट, हम लोग होलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र पुरी जी हैं, जो नेचुरोपैथिक चिकित्सक हैं, हमारे पास आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, हमारे पास मनोचिकित्सक हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से मरीज को लाभ हो सके, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ ऐसी चिकित्सा प्रणाली भी साथ में दे रहे हैं जिसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट न हो और जिससे मरीज को तुरंत राहत हो जाए। तो हम प्राचीन सूर्य जी को अभी सिरोधारा दे रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से सिर पर, माथा पर, ये इस तरीके से दूध की धार आ रही है। इससे बहुत मानसिक शांति मिलती है और हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाता है। मानसिक परेशानियों के लिए, अनिद्रा के लिए, थकान के लिए, कमजोरी के लिए सिरोधारा बहुत बेहतर तरीका है। और गर्मी में तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जिनको बहुत ज़्यादा सिर दर्द, माइग्रेन होता है, उसके लिए सिरोधारा बहुत अच्छा रहता है। हम अभी थोड़ी देर बाद जब प्राचीन जी का सिरोधारा हो जाएगा तो हम उनसे जानेंगे कि उनको कैसा महसूस हुआ इसके बाद। तो दोस्तों, ये नया कॉम्प्लिकेशन आया ITP, प्लेटलेट्स की कमी, कोविड के ट्रीटमेंट के बाद।